मेरे भाई, मस्जिद मस्जिद अल्लाह के नजदीक कौन सी पसंदीदा मस्जिद? हमारे नजदीक पसंदीदा मस्जिद वो है जिस मस्जिद को हम, जिसका गुंबद मीनार बहुत खूबसूरत हो, कालीन बहुत दबीज हो, खूबसूरत हो, मीनारा बहुत ऊंचा हो, संगमरमर की दीवारें हो, माइक में टन-टन की आवाज हो, तीन आदमी नमाज पढ़ने आए कम अज कम, और यहाँ पर अजान दे तो कुलामुनी सिंह तक सुनाई दे, तो पता चले कि नहीं हमारी मस्जिद सबसे ऊंची होती है। और नमाजी कितने हो, तो नमाजी के बारे में फिक्र हमारे यहाँ बहुत कम है। मेरे भाई, हमारा और आपका खानदानी सिलसिला है। हमारा खानदान किससे जुड़ता है? मैं अक्सर गांव के अंदाज में नौजवानों को समझाने के लिए, मैं जलसे में तो मेरे दोस्त मुझे बुला लेते हैं, आप लोग सियासी अखबार से मुझे बुला लेते हैं कि साहब हमारे MLA थे, हमारे पार्टी से दिलचस्पी रखते हैं, ताल्लुकात ही बुला लेते हैं। लेकिन मेरे भाई, खुदा के वास्ते मैं अपने खुदा को गवाह रख कर कहता हूँ कि मैं जलसे में इस नस्बत से कभी नहीं आता कि कोई सियासी ताल्लुक आपसे है। मैं जलसे में अगर कभी आता हूँ तो दिल में एक दर्द है जिसका एहसास आपको दिल तक करना चाहता है। वो दर्द क्या है? वो दर्द ये है कि मस्जिद को मस्जिद के मुकाम के तौर पर समझा, सिलसिले रस कहते हैं खानदान के बाप के निस्बत से आगे को, आगे के खानदान की तारीफ। तो हमारा एक नसब नामा अगर तैयार किया जाए इंसान का, तो हम हैं उससे पहले मेरे बाप, उनसे पहले उनके बाप, उनसे पहले उनके बाप, तो ये रिश्ता बाप दर बाप जाकर किससे जुड़ जाएगा? हजरत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम से जुड़ जाएगा। तो मस्जिद के निस्बत, ये मस्जिद भी जो वजूद में आई है इसकी भी एक निस्बत है। वो मस्जिद क्या है? हमारी मस्जिद, हमारे जिला की मस्जिद, हमारे मुल्क की मस्जिद, अल्लाह के नबी की मस्जिद, और अल्लाह का घर काबा बैतुल्लाह, जिसके रुख से होकर सारी दुनिया की मस्जिद बनती है। यानी मस्जिद का असल रिश्ता काबा बैतुल्लाह से, और लग मस्जिद सजदा से है। सजदा के माने हैं इबादत के इरादे से सर को झुकाना। और आप देखेंगे कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तहरीक इस दुनिया, इस जुल्मत को नूर जो बख्शा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इस बिगड़ी हुई बस्ती में जो इंसानियत का पैगाम, भटके हुए लोगों को हक की तरफ राह दिखाने का काम जो किया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी मस्जिद से किया। आपको पता है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह के घर काबा बैतुल्लाह से कितनी मोहब्बत थी? आपको ऐसी मोहब्बत थी कि आप वहां बचपन से हाजिरी दी। और मामला यह है कि जब आप बस्ती की बुराइयों से परेशान होकर एक पनाह तलब करने लगे, कुछ सोच कुछ गौर और फिक्र के लिए हारे हरा में आप कुछ दिनों तक मुकीम रहे, क्या था अरब में? अरब में बुराई आम हो गई थी। क्या बुराई थी? हर ताकतवर कमजोरों पर जुल्म करता, अमीर गरीबों को दबाता। जिस तरह हम बाजारों में मवेशी बेचते हैं, बकरा बकरी गाय भैंस बेचते हैं, इंसानों को बाजारों में बेचा जाता। औरतें लौंडी कहलाती, मर्द गुलाम कहलाता। और बुराई किस कदर थी? बुराई इस कदर थी कि शराब हर घर में पीते थे लोग, सूद खाते, जुआ खेलते, और इस हद तक शर्मनाक सूरत हाल थी कि खाने काबा का नंगा तवाफ। बुराई इस कदर पहुंच गई थी कि लोग सौतेली माओं को अपनी बीवी बना लेते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस जुल्म, इस ज्यादती, इस बिगड़े हुए समाज से हटकर जब सोचने के लिए आपने पना लिया गारे हिरा में, तो आपने ऐसे गार को पसंद किया जहां से अल्लाह का घर काबा बैतुल्लाह सामने नजर आ रहा था। ये थी अल्लाह के घर से आपको मोहब्बत। अल्लाह के घर से आपको मोहब्बत थी ऐसी कि जब कुफ्फारा ने मक्का ऐलान नबूवत के बाद, कुफ्फारा ने मक्का ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मार डालना चाहा, आपके साथ अदावत की इंतहा कर दी, तो हुक्म रब्बी के तहत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से हिजरत करके मदीना का रुख किया। और आप ये देखेंगे कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना का रुख किया, तो मुड़ मुड़ कर जो देख रहे थे
रहे थे अल्लाह के घर को। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना की तरफ रवाना हुए और मदीना के करीब पहुंचे तो आप एक जगह पड़ाव किया और वहां जाकर के जो आपने किया काम वो क्या किया, मक्का से पहले एक जगह है, मैं नाम भूल रहा हूं, कि आपने जाकर वहां पर मस्जिद बनाई, मस्जिद कुबा बनाई। और मस्जिद कुबा, वो कुबा नाम से कुआं था वहां पर और उसी से वो बस्ती मारूफ हो गई थी। और आपका चंद दिन का कयाम वहां पर रहा तो आपने वहां पर मस्जिद बनाई। और फिर आप वहां से चलकर जब मदीना पहुंचे तो आपकी ऊंटनी जाकर जहां बैठी उस जगह को आपने खरीदा। और वहां पर जो यतीम बच्चों की थी, लोगों ने कहा, उनके जो सरपरस्त थे उसने कहा कि ये जमीन हम लोग यूं ही दे देते हैं अल्लाह के नाम से, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त एक कीमत देकर, जिसकी कीमत हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु अदा की, आपने मस्जिद को खरीदा, जमीन खरीदी। और मदीना पहुंचने के बाद जो आपने काम किया वो क्या काम किया, आपने उस वक्त एक लंबी चौड़ी लगभग 8-10 कट्ठे की लंबी मस्जिद आपने वहां पर तामीर की। मस्जिद कैसी थी? मस्जिद थी पत्थर की दीवार, मिट्टी का गलेबा, खजूर के दरख्तों का खंभा, खजूर के पत्तों का छप्पर। और आप प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ते तो धूप की शिद्दत से पसीने से सराबोर होते, और जब बारिश होती तो मदीने की मस्जिद का जो सहन था वो कीचड़ हो जाता, आपके और आपके सहाबा के कपड़े सन जाते। और कहा जाता है कि 8-9 साल तक मस्जिद में चिराग नहीं जला था। लेकिन मेरे भाइयों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते अगर उस जमाने में भी, तो सहाबा को दिन दूनी रात चौगुनी अल्लाह ने तरक्की अता फरमाई। हजरत सैयदना अब्दुल रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब मदीना पहुंचे थे तो अपना कारोबार पनीर की दुकान शुरू की थी उसने जमीन पर, और चंद सालों में ऊंटों पर सामान रखकर आता था आपका। उस जमाने में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते तो मस्जिद नबवी के चंद सतून तो सोने और चांदी के बना सकते, लेकिन प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद के सतूनों को सोने और चांदी का नहीं बनाया, बल्कि मस्जिद के नमाजियों का किरदार के मीनारे को इतना बुलंद किया कि जहां कोई साहबी रसूल जाता था वहां पर इस्लाम का एक मुबारक पैगाम लेकर जाता था। अंधेरे में रोशनी की किरण होती थी, जुल्म के खिलाफ एक इंसाफ का मीनारा होता था और कमजोरों का एक सहारा होता था। ये तरबियत मस्जिद नबवी में कैसे थी? मस्जिद नबवी में हमारी मस्जिद सिर्फ नमाज की जगह, और जो कहते हु बहू कहना क्या, अगर किसी का बाप घोड़ा था तो उसका बेटा घोड़ा है, उसकी नाक लंबी थी, पेशानी चौड़ी थी, बेटे का भी ऐसा है, आवाज भी उससे मिलती जुलती है, खाता पीता भी उसी तरह से है, ओढ़ता पहनता भी उसी तरह से है, तो हम क्या कहते हैं, ये लड़का हु बहू अपने बाप की तरह, कहते हैं ना हु बहू अपने बाप की तरह। तो मेरी मस्जिद को भी हु बहू अल्लाह के मस्जिद, अल्लाह के रसूल की मस्जिद की नस्बत से होनी चाहिए, अल्लाह के घर के तौर पर होना चाहिए कि मेरे मस्जिद का जो तौर तरीका हो वो आदाब हो वहीं के। मस्जिद नबी में क्या किया आपने? मस्जिद नबी में सिर्फ नमाज पढ़ी? सिर्फ कुरान पढ़ा? सिर्फ जिक्र अस्कार किया? नहीं, मस्जिद नबी में आप कुरान पढ़े और कुरान समझाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गांव के झगड़ों को तय किया मस्जिद में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादी ब्याह के तौर तरीके सिखाए लोगों को। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद में लोगों को कारोबार के तरीके सिखाए। 2 साल अभी मदीना पहुंचने का हुआ था कि जंग बदर वाक़िया हुआ, और बदर में जो कैदी थे पकड़ के लाए गए तो मस्जिद नबवी के खंभे में उसको बांध के रखा गया। और आप देखेंगे कि ईसाई आए, मुशरिक आए ताइफ के, और उन लोगों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उस वक्त जो गैर मुस्लिमीन थे उनको मस्जिद के सहन में बैठा कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन की दावत दी। आपको यह भी खबर होगा कि लड़के ने मस्जिद नबी में पेशाब कर दिया, और किस मस्जिद में की थी? ये हमारी और आपकी मस्जिद में नहीं की थी, काबा बैतुल्लाह के बाद जिस मस्जिद का मकाम है मस्जिद अक्सा और मस्जिद नबी, उस मस्जिद में, मस्जिद नबी में पेशाब कर, हम और आप क्या होते? गर्दन काट देते। लेकिन प्यारे आका ने क्या कहा?
जब वो पेशाब कर रहा था तो साहब वाले चाह के रोक दें उसको। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा नहीं मत रोको, उसे पेशाब कर ले। अब ये बात बताइए कि आधी पेशाब करता था भागता, एक तमाचा मारने भाग तो जाता वो लोग, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशाब कर दी। क्योंकि पेशाब करते वक्त आधे पेशाब में रुकने की जो तकलीफ होती है वो भी उस बच्चे को महसूस होने नहीं दिया। दूसरी एक हिकमत ये भी है कि पेशाब करते हुए बच्चे को आप अगर पीटते उस वक्त तो वो तो एक ही जगह नापाक किया था, पूरी मस्जिद को भी नापाक कर सकता था, ये हिकमत नहीं होगी। लेकिन प्यारे आका ने क्या कहा, उस बच्चे की कोई पीटा ही नहीं, और क्या किया उस बच्चे को हल्की सी नसीहत कर दी कि बेटा ये इबादत की जगह है, यहां पर पेशाब करने की जगह नहीं है। साहबा को कहा पानी लाओ और इस पर बहा दो, उस बच्चे से ये भी नहीं कहा कि पानी ला के बहा दो। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक तआला ने रहमतुल्लिल आलमीन बनाकर भेजा, आप रहमतुल्लिल मुस्लिमीन बनाकर नहीं भेजे, रहमतुल्लिल आलमीन बनाकर भेजे। जानवरों के लिए भी रहमत, कि जिस जानवर को जबह करके आपको ने हलाल किया अल्लाह ने, उसके लिए भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमान जारी किया कि तू जब अपने जानवर को जबह कर तो तड़पा तड़पा के जबह मत कर, बल्कि तेज छुरी से जबह कर ताकि उसको तकलीफ नहीं हो। आलमीन इस कदर कि आपने ये कहा कि जब तू एक जानवर को जबह कर दूसरा जानवर उसके सामने न रख के उसको तकलीफ होगी। मेरे भाई ये मस्जिद नबी में आपने सिखाया। मस्जिद नबी में क्या किया, जब लोग बीमार हो जाए तो हकीम बुलाकर वहां शिफाखाना लगाया गया। मस्जिद नबी में क्या क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोग आपको तोहफे तहफ लाकर देते तो आप हाजतमंदों के दरमियान में तकसीम कर देते, लेकिन जब कसरत से तोहफे तहफ आने लगे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबी में बैतुल माल कायम किया ताकि गरीब और हाजतमंद लोगों को, मिस्किनों को और मुसाफिरों की उससे मदद की जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया मस्जिद नबी में, मस्जिद नबी का संगमरमर का मीनारा नहीं बनाया लेकिन अपने सहाबा को जिंदगी के उसूल सिखाया। और आप देखेंगे कि उसी मस्जिद नबी में आपने तैयारी कराई लोगों को, जंग की मशक्कत सिखाई आपने लोगों को। और मेरे भाई वही मदीना था, उससे पहले यसरिब कहलाता था वो शहर। यहूदी जो थे तो यहूदी बड़े बेईमान, बड़े बदमाश, बड़े शरीफ, और आज भी शरारत कर रही है कौन अपने बाप दादा के सुन्नत पर। तो वो क्या हुआ कि मुसलमानों को बाजार में ठगा करते थे ये यहूदी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मॉडल बाजार बनवाया। और बाजार बनवाया तो सुन लीजिए जरा उस बाजार के वाक्य को, क्या कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बाजार के लिए जो नसीहत की है मस्जिद नबी में वो सुनिए। कहा कि तुम्हें मदीना के यहूदी ठगते हैं, यसरिब के यहूदी ठगते हैं, तुम अपना अलग बाजार बनाओ। जब बाजार बनाया गया, एक दो दिन हाट लगी, बाजार लगा, तो बड़े लोग आकर के रुख की जगह को कब्जा करने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुर्बान जाइए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गरीबों के कितने मसीहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में मिसवाक है और बांदी है, गुस्ताखी करी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ए फलानी मैं तुझे इस मिसवाक से मारता अगर कल कयामत के दिन जवाबदेही का डर नहीं होता। यानी मिसवाक से भी अपनी बांदी को आपने नहीं मारा, लेकिन जब गरीबों के हक पर जब ताकतवरों ने कब्जा किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जाओ, जगह किसी की छेका नहीं रहेगी, कमजोर ताजिरों को कोई दबा नहीं सकेगा, जिसने खेमा लगाया उसे आग लगा दो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गरीब और कमजोरों की इतनी हमदर्दी करी। फिर क्या किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नहीं बनाई, ये नहीं कहा कि पेशाबखाना सड़क पर बना दो, घर बना लो अपना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा कि देखो बाजार की सड़क इतनी चौड़ी होगी कि दो ऊंट सामान में लटकर जाए तो एक का सामान दूसरे से न टकराए। और आज अगर ऊंट को लादते हुए देखा है आप लोगों ने, वो जो हम लोग कहते हैं वो खाना बदोश, जिसको देहाती जबान में कहते हैं गश्त करने वाले फकीरों की जमात होती है, उसका घोड़ा देखा आपने जब कसता है तो पीठ कितनी चौड़ी होती है, पांच छह फीट हो जाती है कि नहीं हो जाती है। लेकिन अगर ऊंट को ठीक से ये किरे सामानों से लादे तो 10-12 फीट ऊंट की बदन भी चौड़ी हो जाती है। तो गोया उस जमाने में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 30 से 35 फीट के सड़क का तस्वीर दिया, जो आज 1450 साल बाद भी PWD का पैमाना है कि सड़क 35 फीट चौड़ी होती है। वो क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर क्या कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
आपने एक खातून को हजरत सिफा बिनत अब्दुल्ला रजी अल्लाह तआला अन्हा को बाजार का मुहतसिब बनाया, अकाउंटेंट। क्या किया? तीन तरह के टैक्स लागू किए बाजार में। टैक्स ये लागू किए कि जो मुकामी है वो कम टैक्स देगा, जो बाहर से आके दुकान लगाएगा उसको ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा, और जो दूसरे मुल्क से आएगा उसको ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुकामी लोगों का और बेरी लोगों के लिए कानून बनाया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से कहा कि देखो, अल्लाह तबारक तआला ने मुझे 5-6 फीट का ही बनाकर नहीं भेजा है। उसके कहने का मकसद था कि सिर्फ तुम मेरे शक्ल सुबाहत को अख्तियार करो, मैं ही से तुम्हारे लिए नमूना बनाकर भेजा नहीं गया हूं, बल्कि मेरा हर एक अमल तुम्हारे लिए नमूना है। तुम जो इस शहर को बसा रहे हो ये मेरे नमूने का शहर है, बाजार को इस तरह बनेगा। अब लोग दूर दूर से आए, कलमा कबूल करने लगे, इस्लाम में दाखिल होने लगे। सबकी ख्वाहिश ये हो कि मदीना में हम बसे। मदीना एक शहर भी बन गया था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत थी। कसरत से जब लोग आकर घर बनाने लगे तो क्या कहा अल्लाह के रसूल ने? कहा कि देख, तू अपने घर से दूसरे की घर की इतनी दूरी बाकी रख बीच में कि एक घर की सरगोशी, यानी शोहर बीवी बात करे, बाप बेटा कोई मशवरा करे, तो उसकी गुफ्तगू सुनाई नहीं दे। वो हिकमत। और आज साइंसी उसूल ये कहता है एक घर से दो होनी चाहिए ताकि सूरज की रोशनी पहुंचे, जरासीम पैदा नहीं हो और ताजा। ऐ मुसलमान, दुनिया में कोई भी मजहब का आदमी ये दावा नहीं करता कि उसका अवतार या उसका पैगंबर ये नमूना पेश किया है। ये आई इसलिए इस मस्जिद में कुरान को पढ़ा जाए, समझा जाए, उस पर। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बेलाक मस्जिद कहां है? आज हमारी मस्जिद तो सब लोग नमाजी नहीं। और मदीने में मामला यह था कि जो जिन मुनाफिकों के बारे में कहा जाता है कि वो जहन्नम के मुनाफिक, यानी इस्लाम को नुकसान पहुंचाने वाले, ऊपर से मुसलमान अंदर से कुफ्र, वो लोग भी मदीना में जो बसे हुए थे तो कस मसाते हुए भी नमाज पढ़ने के लिए आते थे, क्योंकि प्यारे आका की मस्जिद में जो मुसलमान नमाजी के लिए हाजिर नहीं था वो मुसलमान नहीं। बूढ़ा बाप मस्जिद में, नौजवान बेटा। बूढ़ा बाप मस्जिद में, नौजवान बेटा नमाजें पढ़ेंगे। हम मगरिब की 3 रिकात 4 रिकात नहीं करेंगे, लेकिन अपने बेटे की शादी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से नहीं करेंगे। दहेज का कोई हुक्म नहीं दिया। नबी ने कहा कि तुमको जो कुछ भी दौलत दी जाती है, जो औलाद तुम्हारे लिए है, उसका तुमसे कल हिसाब लिया जाएगा। मेरे भाइयों, कर रहे हो, अल्लाह कबूल फरमाए। अभी सभी के भाई गए तो मैं झगड़ा कर लिया था। मैंने कहा रात को क्यों रात को जलसा करोगे? प्यारे आका की सीरत पाक से कोई भी बता दो, रात भर का जलसा हमारे नौजवान कुछ उलमा है, मैं इनको बता दूं तारीख इस इलाके की कि उस वक्त हमारे शेर समाधि भाइयों की आबादी कम थी इधर, उस वक्त सुरजापुरियों के यहां क्या होता था? दीन से ना आगही होने की बुनियाद पर, दीन के मालूम नहीं होने की बुनियाद पर, या क्या होता था? बच्चा पैदा नहीं हुआ तो उस वक्त तो अजमेर वगैरह नहीं जा पाता था, लोग घर में बोलता था अल्लाह अगर हमको बच्चा दे दे तो हम सब पीर का नाथ जाएंगे, है ना। और अगर जमीन कहीं कट रही है नदी में तो वो नमाज पढ़े वा नहीं पढ़े मिन्नत जरूर करता था कि अल्लाह आपकी बार अगर मेरी खेत बच गई तो हम सतपीर का नाच जाएंगे। मैंने मुसीबत से बचने के लिए भी सतपीर का नाच, धान की फसल अच्छी हो गई तो सुधराने के तौर पर भी सतपीर का नाच, बच्चे को पकड़ा बीमारी निमोनिया का तो बूढ़ा बुढ़िया की बीमारी कह करके बच्चे के लिए सेहत की दुआ मांगने के लिए भी सतपीर का नाच। और सतपीर का नाच होता था कब? यूपी में जाइए, वहां जलसे का मौसम नहीं होता है, मौके से जलसा करते हैं, लेकिन हमारे इधर क्यों अधर में जलसा करते हैं? क्योंकि इस इलाके में लोगों के धन कटनी के बाद ही दो काम करता था, खगड़ा का मेला और सतपीर का, यही दो काम था। धान काट लेता था, उस पर खेसारी की लत होती थी आज से 50 साल पहले, और उसका कोई काम नहीं था, वो सतपीर का नाच रचाना बस्ती में और खगड़ा मेला जाना। उस वक्त हमारे उलमा ने देखा इस कौम की आदत बिगड़ गई है और इन्होंने एक गैर इस्लामी अमल को इस्लामी काम समझ लिया है।
तो जिस तरह बच्चे के हाथ में चाकू हो तो फौरन जाके आप छीनते हैं क्या? नहीं छीनेगा, छीनेगा तो क्या होगा, उंगली कटेगी ना। उस वक्त हमारे उलमा ने वही हिकमत से काम किया कि अपना कलम निकाल के दीजिए, लच्छू दीजिए, बच्चे का दूसरा हाथ ढीला हो जाएगा, वो अपना चाकू ले लीजिए उससे। उस वक्त हमारे उलमा ने कसरत से रात रात के जलसे किए, तीन रात का जलसा कर लिया, फिर पता चला कि पूरब टोला में सतपीर का नाच होने वाला है, क्या खत्म कर लो। मैं तो पहले इसीलिए आया हूं कि ताकि इसको फाका रोक छोड़ा आपने बाला की तरफ से। तो उस वक्त क्या करता था कि उस वक्त हमारे उलमा ने, अल्लाह हमारे इन उलमा को अपने जवार रहमत पर जगह दे, हमारे उलमा ने शिद्दत से जलसे करके इस खुराफात का खात्मा किया। मेरे भाइयों, वक्त और हालात बदलते हैं, वक्त और हालात के साथ जो कौम नहीं बदलती दुनिया में वो कौम जलील और खार होती है। देखो मेरे भाइयों, कल तक हमारी बुनियादी जरूरत थी रोटी कपड़ा। मेरी उम्र, मैं इस वक्त 55 साल का हो गया और मैंने लगभग 40 साल की जिंदगी, मुझे 40 साल की जिंदगी के सारे वाकयात याद है। मैंने गुर्बत देखी है और आप लोगों ने भी देखी होगी। अल्मोनियम के बच्चों के लिए जनरा की रोटी खाते हुए देखा कि नहीं आपने? ये गुर्बत थी हमारे यहां। अल्लाह का शुक्र है आज हम नहीं, हमारा भीख मांगने वाला भी उसके पास तीन जोड़े जूते हैं, चार रंग का। मेरे भाई, आज घर के भी हम मोहताज नहीं है, सड़ी हुई छप्पड़ बहुत कम लोग, बेवा मुश्किल है। तभी रोटी भी आज है हमारे पास, कपड़ा भी, लेकिन से ज्यादा पामाल हम हैं। आप जिस मस्जिद के निस्बत से आज जलसा की, आप बेच दीजिए तो कि आपके घर में कोई गोबर फेंके और मस्जिद में गोबर फेंके, जो अल्लाह के घर, क्योंकि आपके और हमारे दिल में जो ईमान है वो खुदा से रिश्ता जोड़ता है, हम अपने घर। लेकिन आज इस मुल्क में हम और उठ तक भी कहने की इजाजत नहीं, मैंने एक तरफ बेटे को रोने की भी इजाजत नहीं, वो खौफ का साया हम पर। यही वो मुल्क है मुसलमानों, ये इस मुल्क में हमारे बाप दादा ने 700 साल तक हुक्मरानी की, और हुक्मरानी की वजह से ताकत की बुनियाद पर नहीं की थी। उस वक्त ब्राह्मण राजपूतों ने मुस्लिम बाप